नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो और मेरा नाम है अंकित वर्मा। आज की बड़ी खबरों में क्या है? पाकिस्तान और आतंकवाद, जिनकी बात हम नहीं सारी दुनिया कर रही है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जैश का नाम लेकर पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है। कहा गया है कि इस हमले के जो दोषी हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए, कड़ी सजा दी जाए। हालांकि इस निंदा में कहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का नाम नहीं आया, लेकिन सबको पता है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है और ऐसे झटकों के समय पाकिस्तान के पीछे नजर आता है चीन। चीन को इसमें भी दिक्कत थी, आतंकी संगठन जैश का नाम क्यों लिया जा रहा है। इन्हीं सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बयान आने में इतनी देर हुई। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव मामले में सुनवाई खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने कोर्ट से कहा कि जाधव को राहत देने के भारत के दावों को कोर्ट खारिज कर दे। वहीं भारत ने कहा कि कोर्ट जाधव की मौत की सजा खत्म करे, क्योंकि वो फैसला जबरन के कबूलनामे पर आधारित है। फिलहाल ICJ के जज ने सुनवाई खत्म कर दी है। फैसला किस तारीख को होगा उसकी घोषणा जल्दी ही होगी। जैश की सुगबुगाहट देश के अंदर से भी आई है। UPATS ने देवबंद से दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी यूपी में आतंकी भर्ती करने के लिए आए थे। इनके पास से ATS ने हथियार भी जब्त किए हैं। इनके नाम है शहनवाज अहमद और अकीब अहमद मलिक। प्रधानमंत्री मोदी आजकल साउथ कोरिया में है, वहां उन्हें सियोल शांति पुरस्कार मिला। वजह बनी प्रधानमंत्री की लुक ईस्ट पॉलिसी, साथ ही भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार की धनराशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को समर्पित कर दी है। लेकिन बड़ी खबर क्या है आज की? बड़ी खबर, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली है जैश ए मोहम्मद ने और जैश का सारा काम चलता है पाकिस्तान से। ताकत का इस्तेमाल करने से पहले भारत चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़े। इसके लिए भारत हर फोरम पर पाकिस्तान को घेरना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के क्राउन प्रिंस सलमान के साथ हैदराबाद हाउस में भारत सऊदी संबंधों पर बोले तो पुलवामा के जिक्र से चूके नहीं। UN सिक्योरिटी काउंसिल से भी 21 तारीख को जैश का नाम लेकर हमले की आलोचना वाला प्रस्ताव पास करवा लिया गया था। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? जिन्हें पहले से बैन कर रखा था उन्हें दोबारा बैन कर रहा है। 21 फरवरी की रात को हाफिज सईद के दो संगठनों को 5 महीने में दूसरी बार बैन किया गया। आखिर पाकिस्तान इससे साबित क्या करना चाहता है और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रातों रात इस डबल बैन के लिए बैठक बुलानी पड़ी? बड़ी खबर में आज बात इसी की होगी। किन संगठनों को बैन किया गया है पाकिस्तान ने? 21 फरवरी को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई। इसमें जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को बैन कर दिया गया। ये दोनों हाफिज सईद के संगठन हैं। 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा को बैन किया। लश्कर के बैन होने के बाद हाफिज सईद ने जमात-उद-दावा के नाम से एक नया संगठन बना लिया, लेकिन काम वही रहा जो लश्कर का था। आतंकवाद, फलाह-ए-इंसानियत जमात-उद-दावा का सहयोगी संगठन है। ये नाम का समाजसेवी संगठन है, कुछ जगह स्वास्थ्य और आपदा राहत का काम किया है, लेकिन इसका जमात और उसकी हरकतों से संबंध हमेशा जग जाहिर रहा है। भारत में इस फलाह-ए-इंसानियत पर आतंकी संगठनों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। सवाल यह है, पहले से बैन थे तो दोबारा बैन क्यों किया? इमरान खान की चिंताओं का कारण थी 22 फरवरी की सुबह होने वाली FATF की बैठक, जिसमें तय होना था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी संस्थाओं से लोन मिले या नहीं। पाकिस्तान तगड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में IMF से पैसा ना मिलता तो उसका आटा और गीला हो जाता। अब ये FATF है क्या? FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में G7 देशों की एक मीटिंग हुई थी। ये थी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए FATF का गठन हुआ। 9/11 हमले के बाद FATF ने आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ काम करना शुरू किया। कैसे काम करता है FATF? FATF की साल में 3 बैठकें होती हैं, जिन्हें FATF प्लेनरी कहते हैं। इसी में यह तय होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग पर क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या किसी देश के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत है। जिन जिन देशों को IMF या वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद चाहिए होती है उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो FATF की शर्तों पर भी खरे उतरे। फिलहाल क्या हाल है पाकिस्तान का FATF में? पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि उस पर आतंकी संगठनों की फंडिंग के इल्जाम लगते रहे हैं। जून 2018 में ही पाकिस्तान ने FATF से वादा किया था कि वो इस पर लगाम लगाएगा।
पाकिस्तान को इस साल अक्टूबर से पहले एफएटीएफ की सभी शर्तों पर खरा उतरना है ताकि उसे ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए। ब्लैक लिस्ट में जाने से होता क्या है? फिलहाल नॉर्थ कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में है। इन्हें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कोई मदद नहीं मिलती। G7 ताकतवर मुल्कों का संगठन है, उनका एफएटीएफ में काफी दखल है, तो एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होने पर कोई देश अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से कट सा जाता है, आपको कर्ज नहीं मिलता और देश आपके साथ कारोबार करने से कतराते हैं। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया तो सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तान की बात कहां फंसी हुई थी? एफएटीएफ की एक कमेटी हाल ही में पाकिस्तान गई थी। तब पाकिस्तान से यह कहा गया था कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी डिटेल एफएटीएफ से साझा करे। पाकिस्तान ने तब इनकार किया था। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर लगातार पूरी दुनिया से दबाव पड़ रहा था कि वो टेरर फंडिंग के मामले पर सफाई पेश करे। एफएटीएफ इस सफाई पर नजर बनाए हुआ था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने बैन हो रखे संगठनों को दोबारा बैन किया। अब भारत ने क्या कहा एफएटीएफ में? पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली है और सब जानते हैं कि जैश पाकिस्तान से काम करता है। 16 फरवरी को भारत ने एफएटीएफ में पुलवामा हमले में पाकिस्तान के रोल पर अपने दावे पेश किए थे। भारत लगातार दुनिया भर में संबंध में लॉबिंग भी कर रहा था। भारत चाहता था कि एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दे। सवाल यह है, आज क्या हुआ एफएटीएफ में? पाकिस्तान ने अपनी तरफ से डबल बैन करके एफएटीएफ को रिझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन आज जब एफएटीएफ प्लेनरी मीटिंग खत्म हुई तो पाकिस्तान की कड़ी आलोचना हुई। एफएटीएफ ने पुलवामा हमले की निंदा की और कहा कि ऐसे हमले आतंक समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के बिना संभव नहीं होते। एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान जमात-उद-दावा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और तालिबान जैसे संगठनों को होने वाली फंडिंग की गंभीरता और खतरे नहीं समझता। एफएटीएफ ने फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। अब आगे क्या करेगा भारत? अभी पुलवामा हमले की जांच चल रही है। जांच के साथ और सबूत सामने आएंगे। हमले की जगह से फॉरेंसिक सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो भारत के पास एफएटीएफ में अपना पक्ष रखने के लिए और चीजें होंगी। भारत दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कोशिश करता रहेगा। एफएटीएफ की अगली प्लेनरी मीटिंग में भी भारत इन्हीं चीजों को लेकर जाएगा। तब क्या होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतें सुधारता है या नहीं। नितिन गडकरी के एक ट्वीट के बाद खबर चल पड़ी। कहा गया कि पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान का पानी रोक रही है। इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया गया, दिमाग से दी गई मात कहा गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने घोषणा कर दी कि छुहारे की मौत के बाद अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा। लेकिन क्या है इसका सच? क्या सच में भारत पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने जा रहा है? आसान भाषा में यही आज जानेंगे। सवाल नंबर एक, कहां से शुरू हुई सारी बहस? नितिन गडकरी के ट्वीट से। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने फैसला किया है कि भारत के हिस्से का जो पानी पाकिस्तान में बहता है उसे रोका जाएगा। हम इस पानी को जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोगों को देंगे। सवाल नंबर दो, कंफ्यूजन क्या फैला? जवाब, ट्वीट के बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक खबर चलने लगी। बताया गया कि पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान का पानी रोक रही है। ये कंफ्यूजन फैलना लाजमी था। पुलवामा में 40 जवानों की शहादत के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है। हमले के पीछे जैश और पाक का हाथ था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसलिए सरकार जो कुछ भी कर रही है उसे पाकिस्तान से बदले के तौर पर जोड़ा जा रहा है। नितिन गडकरी के ट्वीट को भी इसी एक्शन का हिस्सा मान लिया गया। सवाल नंबर तीन, पानी रोकने का सच क्या है? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों देशों में पानी को लेकर समझौता हुआ। इसे सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाली कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों को दो खेमों में बांटा गया है, पूर्वी और पश्चिमी। पहली तीन पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार होगा। अब होता यह है कि पाकिस्तान अपने हिस्से की नदियों का पानी तो पूरा इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत अपने हिस्से की नदियों का पानी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। मजबूरी में भारत का वो पानी भी पाकिस्तान की ओर बह जाता है। सवाल नंबर चार, तो क्या पुलवामा हमले के कारण इस पानी को रोक देगा भारत? सरकार पानी रोकने की योजना तो बना रही है, लेकिन इसकी वजह पुलवामा हमला नहीं है।
इसी साल 11 जनवरी 2019 को नितिन गडकरी ने 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ रेणुकाजी मल्टीपर्पज डैम का एमओयू साइन किया था। ये डैम अपर यमुना बेसिन में बन रहा है। इस एमओयू को साइन करने के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सिंधु जल समझौते के बाद भारत अपने हिस्से का सिर्फ 93-94% पानी इस्तेमाल कर पाता है, बाकी पानी पाकिस्तान को चला जाता है। 2016 में उरी हमले के बाद यह तय किया गया कि भारत के हिस्से का जो पानी पाकिस्तान चला जाता है उसे भारत में ही रोक लिया जाएगा। इसके लिए 3 वाटर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। पहला है शाहपुर कांदी डैम, दूसरा है पंजाब में सतलुज ब्यास लिंक और तीसरा है जम्मू कश्मीर में उंज डैम प्रोजेक्ट। ऐसा ही ऐलान वो पिछले साल मार्च में भी कर चुके हैं। हमारे बीच में जब भारत और पाकिस्तान दो देश निर्माण हुए हैं तब एक इंडस ट्रीटी हुई है और उसके अनुसार 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिल रहा है, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को मिल रहा है। हमारे नदियों का जो अपने अधिकार का पानी वो पाकिस्तान में जा रहा था, अब उसको रोकने की हमने व्यवस्था की। और जहाँ तक पंजाब और हरियाणा में विवाद होता है तो राजस्थान में पानी की कमी है, तो हम वो पानी पंजाब हरियाणा राजस्थान और दिल्ली यहाँ मिलेगा। और वैसे यमुना के ऊपर अभी पानी ज़्यादा कैसे आए क्योंकि फ्लड में पानी बहुत होता है, उसको स्टोरेज करने की योजना बना रहे हैं। तो 3 डैम्स को हमने अभी उत्तराखंड में मान्यता दी है और उसके कारण भी यमुना का भी पानी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान पंजाब और हरियाणा इनकी जो पानी की समस्या है, दिल्ली, हम किस प्रकार से 100% सॉल्व करेंगे ये भी हमारा प्रयास है और हमारे अधिकार के पानी को लाना हमारा अधिकार भी है। मतलब साफ है, पुलवामा हमले के बाद कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ उरी अटैक के बाद से शुरू हुआ था। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान को प्यासा मारने वाली बात का सच क्या है? इसे इस ग्राफ से समझिए। आपकी सहूलियत के लिए MAF यानी मिलियन एकड़ फीट के बड़े आंकड़े को बहुत छोटा कर हम लीटर बुलाएंगे। अब मान लीजिए अगर भारत और पाकिस्तान की सभी 6 नदियों में करीब 170 लीटर पानी बहता है, इसमें से पाकिस्तान के पास होता है 135 लीटर पानी। भारत के हिस्से आया 35 लीटर के करीब पानी, पाकिस्तान अपने 135 लीटर में से करीब 40 लीटर पानी ऐसे ही बहा देता है। अब हमारे पास जो 35 लीटर पानी है उसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर पानी और अपनी नदियों में मिला सकते हैं। अब जो खुद 40 मिलियन एकड़ फीट पानी खुद बह रहा है उसको 10 मिलियन एकड़ फीट कम पानी मिलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो पाकिस्तान को प्यास से मार देने वाली बात है उसका कोई तुक नहीं है। पाकिस्तान को प्यासा रखने के लिए हमें जितना पानी रोकना पड़ेगा उतना पानी स्टोर करने की हमारी क्षमता नहीं है। इतनी क्षमता विकसित करने में सालों नहीं दशकों लगते हैं और भारत के पास बहुत से काम हैं। हम वो देश तो नहीं है जो अपने पड़ोसी को परेशान करने के लिए अपने संसाधन बर्बाद करे। भारत अपनी जरूरत और रणनीति के हिसाब से पानी रोकेगा, न कि किसी को प्यासा रखने के लिए। तो आज के लल्लनटॉप शो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।